जबलपुर कोरोना महामारी में जबलपुर में कुछ कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें पुलिस द्वारा लगातार गश्त कर और प्रशासन द्वारा रोज सर्वे किया जा रहा है। वहीं इसी कड़ी में जबलपुर के गोहलपुर कंटेनमेंट क्षेत्र, जो कि चारों तरफ से पुलिस द्वारा सील कर दिया गया है, जहां ना कोई बाहर निकल सकता है और ना ही कोई उस एरिया में जा सकता है, वहां दो गुटों में जमकर मारपीट हुई और सैकड़ों लोगों ने लॉकडाउन का उल्लंघन भी किया, लेकिन पुलिस नदारद रही। रात में करीब 1 बजे की बात है, ये चार खंबा के पास में एक पार्टी में सफी खिना है और उसके साथ 3 लोग और हैं। इन लोगों ने जो दूसरी पार्टी है सलीम खान, आरोपी है कि सलीम खान ने पहले सफी खिना के लोगों को मारपीट की, कुछ पत्थरबाजी की है। दूसरा जो सलीम खान है तेल वाला है, इसका तर्क ये है कि सफी खिना ने हमारे साथ मारपीट की। इन दोनों की सफी खिना जो कि पार्षद सती है जाकिर हुसैन वार्ड का, और सलीम जो मिट्टी तेल बेचता है, ये दोनों अलग अलग पार्टी को बिलोंग करते हैं और दोनों में ये रंजिश चल रही है। सफीक हिना ने पहले कुछ निर्माण कार्य कराए थे जिसका सलीम ने विरोध कराया था, बाद में वो जो निर्माण कार है उसको जनहित में तोड़ दिया गया था। इनकी पुरानी 2-3 साल पुरानी रंजिश चल रही है, इसी बात को लेकर कल इनमें विवाद हुआ है। दोनों पक्षों पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है, सफी खिना की तरफ से और दूसरी पार्टी सलीम तेल वाले के खिलाफ, और सलीम की तरफ से सफी खिना के लोगों के खिलाफ मामला कायम किया गया है। अभी किसी की गिरफ्तारी? अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि दोनों पक्षों का आपराधिक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, इनमें प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी और हो सका तो इनकी दोनों की 110 की भी कार्रवाई की जाएगी।